ऑनलाइन स्टडी प्लेट में आपका स्वागत दोस्तों। बात करेंगे दुर्गा शक्ति की ज्वाइनिंग के बारे में, ठीक है। तो करते हैं इसका पूरा मामला, अभी तक क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में, ठीक है। तो भाई दुर्गा शक्ति के जो मेडिकल गर्ल्स हैं उनकी ज्वाइनिंग कब होगी, जो मेल फीमेल कॉन्स्टेबल में भी हैं और दुर्गा शक्ति में भी, यानी कि जो दुर्गा शक्ति में प्रोसेस रहेगा ज्वाइनिंग का मेडिकल गर्ल का, वही जो है फीमेल कॉन्स्टेबल में भी रहेगा, ठीक है। तो भाई मेडिकल गर्ल्स कि ज्वाइनिंग जो है ये बोल रखा है कि ये इनके साथ में ही होगी, ठीक है। ये इनके किस में होगी भाई, साथ में ही होगी जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, ठीक है, मेडिकल गर्ल्स की दुर्गा शक्ति में, क्योंकि ये कैंडिडेट पंचकुला गए थे, ठीक है। तो इनसे एक एप्लीकेशन लिखवा ली थी कि ये एप्लीकेशन हम जो है हिसार भेज देंगे, और हिसार से जो है फिर आपका जो जो मेडिकल फिट है, जो जो मेडिकल फिट है वो अपना PST दें और अपनी ज्वाइनिंग ले ले, ठीक है। ये उनको बोला गया है। तो अभी तक की ये अपडेट है कि इन्होंने जो लेटर लिखा था मेडिकल गर्ल्स ने, वो अभी तक हिसार जो है भाई नहीं पहुंचा है, ठीक है। वो इनकी एप्लीकेशन और जो भी चीज़ है भेजनी थी पंचकुला से, वो अभी तक हिसार नहीं पहुंची है, ठीक है। दूसरी बात स्कूल कोड की, स्कूल कोड पूछ रहे हैं कि स्कूल कोड बता दो, कि कुछ कैंडिडेट का जो है ये कॉल सभी के पास नहीं आएगी, क्योंकि कुछ कैंडिडेट के स्कूल कोड में प्रॉब्लम आ रही है उनको, ठीक है, फाइंड आउट करने में। तो इसलिए भाई कुछ कैंडिडेट कभी ये सोचो कि मेरे पास तो कॉल ही नहीं आई, तो कुछ कैंडिडेट के स्कूल कोड में प्रॉब्लम आ रही है उनके पास कॉल आ सकती है, ठीक है, जो भी जो जो उनको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो यानी कि ये डॉक्यूमेंट आपका जो वेरिफिकेशन है चल रही है, उसके बाद करेंगे हम बात वेटिंग के बारे में, ठीक है। तो 31 मार्च को भाई आपका रिजल्ट आया था, 2 और 12 मई को बायोमेट्रिक हुई थी, और 7-8 जुलाई से लगभग आपका मेडिकल जो है चल रहा है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, MPSW का रिजल्ट आया था 20 फरवरी को, स्टाफ नर्स का रिजल्ट आया था 10 अप्रैल को, ALM का रिजल्ट रिवाइज होकर 6 जुलाई को। तो भाई इन सभी की जो है ज्वाइनिंग हो चुकी, ठीक है। ALM के जो है अपॉइंटमेंट लेटर निकालने शुरू कर दिए हैं, ठीक है, कुछ को मिल भी गए होंगे। तो भाई इस भर्ती में जो है देरी हो रही है, ठीक है, इस भर्ती के अंदर अभी देरी हो रही है, काफ़ी टाइम से जो है कर रहे हैं वेट। तो जो ज्वाइनिंग की अगर मैं बात करूं भाई, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। पहली बात तो ये ज्वाइनिंग के बाद करवाते थे सारा काम, फर्स्ट टाइम जो है ये करवा रहे हैं ज्वाइनिंग से पहले, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक और अड़चन आ रही है, ठीक है, जो मुझे गुप्त सूत्रों से लगा लो उसको पता चला है कि मेन जहां से ये प्रॉब्लम आ रही है, जो चीज़ वो वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं हिसार से, वो हो नहीं पा रही है। वो क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि भाई DGP ऑफिस पंचकुला से उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, समझ गए इस बात को भाई, DGP ऑफिस पंचकुला से उसका रिप्लाई नहीं आया। तो इन्होंने बताया कि जब इसका रिप्लाई आ जाएगा ना, जब इसका रिप्लाई आ जाएगा तो इसके एक वीक के बाद, ठीक है, इसके एक सप्ताह के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी भाई, इसके एक, और अभी तक की आज की ये अपडेट है कि अभी तक कोई रिप्लाई इनके पास नहीं आया है, ठीक है। तो भाई इन अगर ये सरकार, ये सरकार चाहे तो भाई इनको जो है तुरंत बोल सकती कि ये जो आप कर रहे हो ना, ये जो वेरिफिकेशन है ये ज्वाइनिंग के बाद करवा देना, अगर ये चाहे तो, ठीक है, ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। बाकी अभी DGP ऑफिस पंचकुला से इनके पास जवाब नहीं आया है। तो भाई कुछ कैंडिडेट का कहना कि 28, 29, 30 ऐसे जो है ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है। तो भाई फिलहाल जो है इस टाइप की कोई भी न्यूज नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। बाकी गुप्त सूत्र कब फैल हो जाए किसी का नहीं पता, ठीक है। कभी कहो कि सर आपने ये बताया, तो मैंने जो मेरे को न्यूज मिली है वो मैंने आपको बताई है, ठीक है, क्योंकि डेली आप लोग पूछ रहे थे कि सर पूछ लो। तो भाई आज मैंने जो है कोशिश की और आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहुंचा रहा हूं। तो यानी कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही, क्यों आ रही, क्योंकि ये DGP ऑफिस पंचकुला वाले जो है उसका रिप्लाई नहीं कर रहे, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, समझ गए। तो बाकी डिटेल में मुझे बताया, वो शेयर नहीं करूंगा मैं। तो बाकी बात है भाई इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि कब इनकी ज्वाइनिंग देनी है, कि भाई उनके साथ में करवानी है कि नहीं करवानी है, ठीक है। और रही बात, अब बात कर लेते हैं भाई वेटिंग की। वेटिंग वाले कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं भाई, वेटिंग वाले कैंडिडेट अभी तक जितने भी अभी ज्वाइनिंग हुई हैं,
जितनी भी ज्वाइनिंग हुई भाई उसमें किसी भी वेटिंग वाले को नहीं लिया गया, एक्सेप्ट किस किस में लिया गया है, मेल एसआई, फीमेल एसआई और कमांडो, ठीक है, और कमांडो भाई, इनके अंदर अभी भी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, अभी भी वैकेंसी खाली हैं और इनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो अभी भी इनकी वेटिंग क्लियर नहीं कर रहे हैं भाई। जो वेटिंग क्लियर करनी थी इन्होंने स्टार्टिंग में कर दी भाई, ठीक है, उसके बाद से लगातार इतने महीनों से जो है इनकी कोई भी वेटिंग क्लियर नहीं कर रहे हैं। कब करेंगे भाई इसका किसी को नहीं पता, ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो मुझे लग रही है भाई, जब ये नेक्स्ट बैच आएगा या तो उसके टाइम उस टाइम से करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट बैच आएगा या तो उस टाइम करेंगे या फिर भाई इलेक्शन तक तो कर ही देंगे, ठीक है, 2024 में जो इलेक्शन है उससे पहले तो इनको या तो नेक्स्ट बैच ही आ जाएगा, उससे पहले कर देंगे, क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग है, क्योंकि ट्रेनिंग तो करवानी पड़ेगी, तो इनकी ट्रेनिंग जो है नेक्स्ट बैच के साथ हो जाएगी, ठीक है। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को देनी थी, तो और दुर्गा शक्ति सिलेक्टेड का ग्रुप है भाई, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जो है डिस्कस कर सकते हैं, जो भी है आपके मन में कोई भी डाउट है, आपके पास कोई और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने शेयर करनी ज़रूरी है, आपके पास है तो आप भी करते हो। वैसे तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की हर बार, और एक बात और बता दूं भाई मैं, अभी कुछ कैंडिडेट जो है अनिल विज से भी मिलने की कह रहे हैं, ठीक है, अनिल विज साहब से भी मिलने की कह रहे हैं, वो भी जो है डिस्कशन ग्रुप में चल रहा है। वैसे तो भाई बहुत बार मिलने के लिए इन्होंने आप लोगों ने प्लान बना लिए शायद, तो फिर भी जो है आप लोगों का कोई भी प्लान सक्सेस नहीं हुआ है, क्योंकि जल्दी जल्दी जो है ऐसे कि आ जाएंगे कल जाएंगे, इसी तरह जो है ये जो दो मई जून पूरा मई, चलो मई को छोड़ दो आप, जून और जुलाई, ठीक है, दो महीने इसी में निकले हैं। तो भाई इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, यही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर करनी थी, थैंक यू।